मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत में पार्ट 3 नादान दोस्त, जो एक कहानी है उसी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़े। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि जो श्यामा और केशव हैं दोनों चिड़िया की मदद करना चाहते हैं, और उसके लिए वो जहाँ उसका घोंसला है उस पर छत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दाना पानी खिलाने के लिए कटोरी में अनाज रखकर, तो ये सब व्यवस्था उन्होंने बना ली है। उसके बाद हम लोग आज देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अभी क्या है कि गर्मी के दिन हैं, ठीक है, उनके जो पिताजी हैं बाबूजी दफ्तर चले गए। दफ्तर एक शब्द आया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनकी पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी फारसी में हुई, तो इस कारण से इनके जो भी रचनाएं हैं उनमें ये शब्द बहुत मिलते हैं हमें, ठीक है। दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय, जिसको हम ऑफिस बोलते हैं। तो पिताजी दफ्तर चले गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर, खुद गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन बड़े होते और गर्मी अधिक पड़ती है, तो लंबे दिन होने के कारण माँ ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर वो खुद सोने चली गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, आज तो काम करने का दिन है, वो सारी तैयारी जो हुई है अब उसको कैसे अंजाम देंगे उस काम को, ठीक है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोल कर बाहर निकल आए। हम लोग भी ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा करते हैं, ठीक है। आप लोग जब आपको कुछ काम करना होता है, अपने दोस्तों से मिलना जुलना होता है या इस तरह का कोई काम करना होता है, घर में दो भाई बहन हैं, मान लो फ्रिज से चुरा कर कुछ खाना है, या खिड़की खोल कर कोई काम करना है, दरवाज़ा खोल कर बाहर जाना है, ठीक है, कंचे खेलने हैं, या छत में जाकर पतंग उड़ाना है दोपहर में, कुछ भी ऐसा काम, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह काम करते हैं। हमें लोग सुनाएंगे, हम लोग चुपचाप हाँ ज़बरदस्ती नाटक करेंगे आंखें बंद करके, एकदम बेदम होकर सो रहे हैं, ठीक है। माँ को लगेगा हाँ दोनों बच्चे सो गए हैं, मतलब हम लोग अपने माँ बाप को भी, ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ठीक है, उनको धोखा देते हैं। तो दोनों बच्चे सोने का नाटक करते, जैसे उनको पता चला कि हाँ अम्मा जी अब सो गई, बहुत गहरी नींद में, दोनों बाहर निकले, दरवाजे की खिड़की खोली और वहाँ से बाहर आ गए, ठीक है। अंडों की हिफाजत की तैयारियाँ होने लगी, अंडों की हिफाजत ठीक है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, चुपचाप एक स्टूल उठा कर ले आया, ठीक है। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसको खिड़की के ऊपर जो छज्जा था उस पर देखना था, स्टूल लेकर आया वो काफी बड़ा, ठीक है, चार पैर का ऐसे एक स्टूल होता है, ठीक है। तो वो स्टूल को ले आया और उसने क्या किया, उसको रखा, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो उसने क्या किया कि नहाने की चौकी जिस पर बैठकर नहाते हैं, पीढ़ा जिसको बोलते हैं, तो उस समय क्या लकड़ी की चौकियाँ होती, थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, जिस पर बैठकर नहाते हैं, तो उस पर उसने उस स्टूल को रखा, ठीक है। लेकिन और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी थी, उसने श्यामा से कहा कि इसको तो पकड़ लिया। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सही जाता, अक्सर ऐसा होता है जो भी स्टूल बनता है, ठीक है, तो जमीन की सतह और जो स्टूल के पाए हैं उनमें जब बराबरी नहीं बन पाती तो क्या होता है, एक तरफ को थोड़ा सा हल्का सा ढकता है, ठीक है, हल्का सा हिलता है। हम लोग भी क्लास में बैठते हैं अक्सर, हमारी ये बेंच वगैरह बजते रहते हैं क्योंकि नीचे का जो फर्श और स्टूल की जो बनावट है, ठीक है, उसके नीचे के जो पाए हैं वो ढंग से सेट नहीं हो पाते, तो खट खट, तो हम नीचे कागज या कपड़ा कुछ ऐसे लगाते हैं। तो श्यामा ने दोनों हाथ से पकड़ लिया था, स्टूल का एक पाया छोटा था तो जरा से हिलने पर वो इधर हो जाता, ठीक है, जैसे ही केशव का पैर धर जाता थोड़ा सा दबाव बनता और उसके बाद फिर वो हिल जाता, उसको परेशानी होती, तो उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, तकलीफ पानी परेशानी। तो केशव को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती, यही उसका दिल जाता, उसको क्या तकलीफ उठानी पड़ती, उसको कितना डर लगता था, ऊपर से उसका दिल ही जानता। दोनों हाथों से कार्निस पकड़, जब ऐसा होता तो कार्निस को पकड़ लेता कि गिरूंगा नहीं, ये चोट बहुत लगेगी, तो कार्निस को ही पकड़ लेता कि अगर स्टूल गिर भी गया तो मैं कार्निस को पकड़ के लटका रहूंगा। और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, फिर श्यामा को डांटता, अच्छी तरह पकड़, ठीक है,
तभी आवाज में से डांटता कि अगर तेजी से डांटेगा गुस्सा तो बहुत आता था उसको, लेकिन अगर जानता अगर तेजी से डांटूंगा तो अम्मा जी जाग जाएंगी, फिर तो जो काम कर रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, पिटाई होगी सो अलग। ठीक है, क्या बोलता है उसको, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा उसे, कहता अच्छी तरह पकड़। अक्सर ऐसा होता है जैसे हम लोग को अगर हमारे घर में मम्मी ने हमें मना कर दिया, मान लो घर में आम का पेड़ लगा है, आम फले हुए हैं, ऊंचाई पर हमें नहीं बनना है, और हम दो भाई हैं, दो भाई बहन हैं, हमको आम खाना है, ठीक है, या अमरूद लगा है, कुछ भी इस तरह का फल, मम्मी ने मना कर दिया कि दोपहर में नहीं जाना है, लेकिन हम दोपहर में जरूर जाएंगे, फिर एक दूसरे की मदद करेंगे, वो हमें चढ़ाने की कोशिश करेगा किस तरह से, हम चढ़ जाएंगे या टेबल पर रख कर कुछ ऐसा काम करेंगे, दूसरा मदद करेगा हमारी, और जरा से उसने गलती तब बहुत गुस्सा होते हैं, अगर हमसे छोटा होता तो ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े होने का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसने कुछ दबी आवाज़ में उतर कर बहुत मारूंगा। ठीक है, बगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर काटने से पड़ता, अब श्यामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया उसको क्या करे, उसका ध्यान तो ये है कि काटने से ऊपर क्या हो रहा है, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, उसका ध्यान बार बार उधर चला जाता, जैसे उधर जाता हाथ को छोड़ देते, या ढीले हाथ से पकड़ लेती तो हिल जाता था वो स्टूल। ठीक है, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। अब जैसे ही केशव कार्निस पर पहुंचा, उसने जैसे ही हाथ रखा चिड़ियों को पता चला कि कोई हाथ आ रहा है, तो वो दोनों उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर तीन अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कै बच्चे हैं भैया, अब ऊपर केशव ने देखा कि जो घोंसले हमको पेड़ों में दिखते ऐसा कोई घोंसला नहीं है, तिनके हैं, उस पर तीन अंडे हैं। ठीक है, तो अब उसने ये सब चीज़ देखी और श्यामा उससे पूछ रही है कि भैया बहुत देर से ऊपर देख रहा है, तो पूछ रही है कि भैया कै बच्चे हैं, कितने अंडे हैं। ठीक है ना, तो एक शब्द है कै बच्चे, कैसा कै का मतलब है कितने, ये जो उत्तर प्रदेश का बनारस वाला क्षेत्र है वहां इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तरह का बेहसर शब्द है। और कै जो शब्द है कै का एक और मतलब होता है, ठीक है ना, जैसे मुझे कै लोग थे, ठीक है, एक होता मुझे कै आ रही है, कै का मतलब होता है वॉम वॉमिटिंग, ठीक है, उसका भी उसको भी लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने बोलने में अंतर है। ठीक है, संदर्भ के अनुसार प्रसंग के अनुसार ही उसको बोलते हैं। चलिए, तो केशव ने कहा तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कही, श्यामा बोली जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। ठीक है, तो श्यामा ने कहा जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा दिखा दूंगा, पहले जरा सिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब केशव को बड़ी दया आएगी, जो अंडे हैं वो तिनकों पर, घास के तिनकों पर पड़े हैं, कह रहा है कि जरा चिथड़ा ले आ। चिथड़ा क्या होता है बच्चों, चिथड़ा क्या होता है, कागज का कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं चिथड़ा। पुराना जो कपड़ा होता है फटा हुआ होता है, पुराने जो कपड़े होते हैं आप अक्सर देखते होंगे घर में पोंछने के लिए, हमारे घर में जो जैसे कोई बड़ी सी चादर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं काट लेते हैं या उसको फाड़ देते हैं। ठीक है, और फाड़ करके पोंछने काम में आ जाता है वो, पुराना पुरानी चादर, नए नए पुरानी चादर या पुराने कपड़े होते हैं उनको हम फाड़ करके ऐसे पोंछने के लिए, कभी गाड़ी पोंछने के लिए, कभी घर कभी किचन में साफ करने के लिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं चिथड़ा। कपड़े के टुकड़े लिया उसको बोला, कपड़े का चिथड़ा लिया नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनको पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती, उस पास एक पुरानी धोती, उसको फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह कई तह कर दी, तह मतलब परत, उसकी कई तह करके कई परत बनाई उसने, और फिर उसको एक गद्दे नुमा बनाकर गद्दी बनाई और उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमें भी दिखा दो भैया, श्यामा को बड़ी उत्सुकता है कि एक बार मुझे भी दिखा दो भैया। केशव कह रहा दिखा दूंगा, पहले जरा मैं टोकरी तो दे ऊपर छाया करूँ। अब केशव चाह रहा है कि जब तक ये पकड़ी है इसको दिखाने से पहले मैं सारा काम करूँ ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए कि सारा काम मैंने किया है। ठीक है, तो कह रहा भैया टोकरी लिया। श्यामा ने नीचे टोकरी थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव चाहता है कि तीन तीन काम कराने हैं उससे, चिथड़ा भी मंगवा लिया, टोकरी भी, और उसका खाना पानी दाना पानी भी मंगवाना है, प्याली, तो कैसे कहे, तो उसको कह रहा है कि हाँ हाँ दिखा दूंगा, तू प्याली दिया सब रख दूँ, एक बार तेरे को चढ़ा दूंगा तो आराम से देख लेना। इससे पता चल रहा है कि केशव के मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, श्यामा प्याली और चावल भी ले आई, केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता माने धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया, जब से बोल रहे हैं, ठीक है, जब से बोल रहे हैं हमको भी चढ़ा दो। तो केशव कहता है तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े ना, जैसे मैंने पकड़ा था तुम पकड़े ना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव श्यामा को बड़ी उत्सुकता है, उसको लग रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे दे मेरे साथ।
केशव कहता ना भैया कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे, चटनी कर डालेंगे माने मेरी बहुत पिटाई करेंगी। अब ये जो बात है बच्चों कि श्यामा सब काम करते जा रही है और उसका भाई चुपचाप सब काम करवा रहा, फिर बाद में उसको ऊपर नहीं चढ़ाएगा, ये है बाल मनोविज्ञान। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, घर में बड़े और छोटे भाई होते तो क्या होता है, पहले छोटे से वो बहला फुसला के सारा काम करा लेता है और जब अपनी बारी आती है कहता नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये, वो कुछ भी करके वो आप ऐसा करते हैं, ठीक है यही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सुनकर हंसी तो आती है लेकिन वाकई में हम ऐसा करते हैं, ठीक है आगे देखिए। तो कह रहा नहीं भैया अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी, कहेंगी कि तू नहीं चढ़ाया, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं जब बच्चे निकलेंगे तुमको पालेंगे। वो कह रहा है अरे कौन सी बड़ी बात, अंडे तो मैंने देख ली ना, समझ लो तू भी अंडे है, क्या करेंगे देखकर, जब अंडे बड़े हो जाएंगे बच्चे अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो फिर तुम देख लेना आराम से, हम दोनों मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, वो चिड़िया दोनों बार बार आती थी कार्निस पर बैठती थी जैसे आती थी और निकल जाती थी, ठीक है। तो केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठेगी, इसलिए उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब उसको लगा कि हम लोग यहाँ खड़े शायद चिड़िया नहीं बैठेगी, तो उसने क्या किया इसको उठाकर जहाँ से लाया था वहाँ रख दिया और चौकी जो थी उसको भी ले जाकर के उसने ठीक है रख दिया नहाने के स्थान पर। अब श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कहूँगी। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है मान लो अब हमने दो अमरूद तोड़े और बात हुई थी, या तीन अमरूद तोड़े और बात हुई थी कि आधा आधा बांटे, बड़े भाई ने अगर दो ले दिया तुमने एक दिया छोटे वाले को तो कहेगा नहीं मुझे भी जीवन मम्मी को जाकर बता दूंगा कि तुमने ज़्यादा खाया है, बराबर ऐसा करो वरना वहाँ पे करना ही पड़ेगा, बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है, ठीक है। केशव अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा कह देता हूँ, केशव कहता अगर अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा बता देता हूँ फिर। तो श्यामा कहते तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, केशव कहता और अगर गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते, केशव कहता अच्छा चढ़ा तो देता हूँ लेकिन गिर जाती तो सर टूट जाता, चार सर हो जाते फिर चार टुकड़े हो जाते सर के, फिर क्या होता। श्यामा कहती हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी। श्यामा कहती तुमको क्या मेरा सारे चार चार चाहे पांच हो जाए, ठीक है मैं मम्मी से कह दूंगी मैं नहीं जानती मुझे दिखाओ मैं नहीं जानती, ठीक है ऐसी बात। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, अब इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, अब माँ बाहर निकली दोपहर का टाइम है तो बहुत धूप है, तो उन्होंने अपनी आँख को धूप से बचाते हुए ऐसे करके ठीक है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना तो तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना, किसने की बात खोला, अब माँ इंक्वायरी करने लगी, मैंने मना किया था ना बाहर निकला दोपहर में, किसने किवाड़ा खोला, बाहर क्यों आए तुम लोग, बहुत सारे सवाल। किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, किसने खोला था, केशव ने, लेकिन श्यामा ने यह बात माँ से नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया फिर जाएंगे, उसे लगा यार मम्मी को बताऊंगा बताऊंगी तो अभी मम्मी उठी है सोकर उठी पक्का पिटाई हो जाएगी भैया की, ठीक है वो शांत हो गई। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह नहीं, अब केशव डर के मारे हाल खराब है केशव कि बाप रे अभी श्यामा गुस्से में है, कहीं ऐसा ना मैं इसको दिखाया नहीं हूँ अंडे, कहीं ऐसा ना कह ना दे मम्मी से, अंडे ना दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, चूंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे इससे अब उसको विश्वास नहीं था, उसको डर था कि कहीं श्यामा जो है वो माँ को सारी सच्चाई बता ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, या शायद दोनों ही बातें थी। अब श्यामा क्यों चुप थी, श्यामा माँ को क्यों नहीं बता रही थी सारी बात की भैया ने ही दरवाजा खोला, भैया ने ही जो है क्या कहते हैं वो टेबल लेकर आया, ठीक है और चौकी सब लेकर आया ताकि ऊपर चढ़कर वो चढ़ सके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्यों नहीं, क्यों उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अंडे नहीं दिखाए तो कहीं ऐसा ना हो कि श्यामा जो है माँ को सारी बात बता दे, ठीक है आगे देखिए। श्यामा क्यों चुप थी इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता, ठीक है या तो उसको ये डर था कि माँ जो है केशव भैया की पिटाई कर देगी, या फिर इस कसूर में ठीक है ये जो उन लोगों ने अपराध किया ठीक है माँ से बिना पूछे बाहर गए इसमें वो भी कसूरवार थी तो शायद इसे नहीं बता रही थी, या शायद दोनों ही बातें थी, इसका फैसला नहीं किया जा सकता, ठीक है आगे देखिए। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, माँ ने क्या किया दोनों को डांटा ठीक है और टपट कर कमरे में बंद कर दिया, अब तुम लोग दोबारा बाहर निकल बहुत पिटाई होगी, ठीक है उनको डांट टपट पड़ी और आप धीरे धीरे पंखा झलने लगे, फिर माँ ने क्या किया उन दोनों को पंखा झलना शुरू किया ताकि गर्मी के दिन है ठीक है बड़े दिन होते हैं ठीक है गर्मी में तो क्या है बच्चे दोपहर में थोड़ा सो जाए पंखा झल। अभी सिर्फ 2 बजे थे बाहर तेज लू चल रही थी, अभी सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी, 2 बजे दोपहर में आप समझते हैं गर्मी में कितनी तेज लू चलती है खासकर दोपहर में 2 बजे के आसपास। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी और दोनों ही बच्चे अब सो चुके थे क्योंकि वहाँ पंखा चल रही थी, अब वो निश्चिंत भी हो गए थे कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो दोनों ने जो सोचा था ठीक है वो माँ के सोते ही दोनों ने उस काम को अंजाम दिया। तो इस पार्ट में बच्चों अभी तक इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, धन्यवाद।